वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स. आज आप डिस्कस करना है गे लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. देखो ये जो लॉ है यह गे लुजैक्स ने दिता सी, इसी करके उसके नाम के आधार पर ही इस लॉ का नाम रखा गया है. गे लुजैक्स ने की किया से बहुत सारे एक्सपैरिमेंट्स परफॉर्म करके देखे से गैसेज के उपर. यह जोड़ा लॉ है यह गैसेज वास्ते ही है. उन्हें की किया से बहुत सारे एक्सपैरिमेंट्स करके देखे गैसेज के उपर, तो एंड से एक जनरलाइजेशन दे दी जिन्हों की कहा गया गे लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. जनरलाइजेशन का मतलब की होंगे, एक स्टेटमेंट होंगी है जो भी उन्हें एक्सपैरिमेंट्स करके देखे उस आधार पर जोड़े भी फैक्ट वो सामने आए, जो भी रिजल्ट आए उन्होंने एक्सपैरिमेंट्स के, उन्हों सारिया चीज़ों के आधार पर उन्हें एक स्टेटमेंट दे दी, जनरल स्टेटमेंट दे दी जिन्हों की कहा गया गे लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. की सी वो स्टेटमेंट, की कहता है लॉ, देखो. इट स्टेट्स डैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर वेयर एवर गैसेज रिएक्ट टूगैदर. अगर अपने को टैंपरेचर के प्रैशर दंडीशनज सिमिलर ने, जो भी आप रिएक्शन करवा रहे उन्हें आप सिमिलर रखी हुई ने, चेंज नहीं कर रहे. वेयर एवर गैसेज रिएक्ट टूगैदर, जदों गैसेज रिएक्ट कर रही ने, दैन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेज, जिहड़िया गैसेज आपस रिएक्ट कर रही ने, कंबाइन कर रही ने, रिएक्शन कर रही ने, उन्हों का वॉल्यूम है जोड़ा, एज वैल एज प्रोडक्ट्स, जदों वो गैसेज रिएक्ट कर गई तो जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाता, बीयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो, रिएक्टेंट्स का जोड़ा वॉल्यूम होगा तो प्रोडक्ट्स का जोड़ा वॉल्यूम होगा, उन्होंने अगर आप आपस रेशियो कट के देखिए तो की होगी, सिंपल होल नंबर होगी. एक तो हम इस लॉ तो आप पता लग गया, एक तो यह पता लग गया भी गैसेज ने जोड़िया वो वॉल्यूम कंबाइन कर दें, वॉल्यूम की गल की गई है. इतनी बाकी आप एग्जाम्पल लें थोड़ा होर क्लीयर हो जाएगा. देखो गैसेस ले लिया कोई भी दो, मान लो कि ले ली हाइड्रोजन ते क्लोरीन. ये मान लो हाइड्रोजन गैस है, ये केड़ी गैस है, क्लोरीन गैस है. दोनों की आपस दे विच की करवा दी, रिएक्शन करवा दी. आपको पता है जो एच टू ते सी एल टू रिएक्ट कर देने की बनता है, एच सी एल की बन गया, एच सी एल. हुण इस रिएक्शन बैलेंस करो. रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगे पता लगेगा थोनों ये बैलेंस करना क्यों जरूरी है. देखो पहला तो कर लो बैलेंस, हाइड्रोजन टू ने इधर इतने टू करने के लिए आपको की करना पेगा, इतने टू लगा देंगे तो रिएक्शन की होगी, हम बैलेंस हो गई. इधर भी हाइड्रोजन टू ने, इधर भी क्लोरीन टू ने, इधर भी टू ने, रिएक्शन इज बैलेंस. बनाओ हूँ देखो जिहड़ा इतने कोफिशेंट होंगे जिन्ना भी हो, बैलेंस करना तो जरूरी है, जिन्ना इतने कोफिशेंट लिखा होगा बैलेंस करने बाद ही आऊगा, उन्ने ही वॉल्यूम गैसेस से होंगे. किमें देखो हाइड्रोजन के अगे कुछ भी नहीं आया बैलेंस करके, कुछ भी नहीं है तो मतलब की है वन है. क्लोरीन के अगे भी कुछ नहीं है मतलब वन है. अगर बैलेंस करने लिए जो अपन इतने कुछ लगाना पै जाता टू थ्री या जिन्ना भी, तो उत्थे आप काउंट कर दे, इतने कुछ नहीं सी तो आप लिख लिया वन वन लिख लिया, इतने टू है. तो हूँ यदा मतलब देखो की है भी हाइड्रोजन का किन्ना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, वन वॉल्यूम. क्लोरीन का किन्ना कर रहा है, वन वॉल्यूम. वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन्स विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एंड गिव्स टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. जिन्ना इतने कोफिशेंट लिखा होना ही वॉल्यूम होगा, ठीक है. ये कहना है लॉ. तो हूँ रेशियो वाली रही गल, रेशियो भी आप ये ही क्ढनी है. इतने किन्ना है वन, इतने किन्ना है वन, इतने किन्ना है टू. तो रेशियो भी सिंपल है, वन रेशियो टू, यही कहा से सिंपल होल नंबर रेशियो होगी, ठीक है. हूँ देखो ये जी वॉल्यूम वाली गल है, कम किमें आऊगी. देखो मान लो आपको ये क्या होया भी 20 ml जी हाइड्रोजन है गैस है, अपने को 20 ml हाइड्रोजन गैस है, ठीक है. हूँ आप क्लोरीन का पता करना है, तो किमें देखो आपको पता है जी रिएक्शन है ये किमें होंगी है, एच टू सी एल टू, टू एच सी एल. अगर यदा वन वॉल्यूम है, इतने कुछ नहीं है तो मतलब की है वन है, यदा भी वन है, ये की है टू. हूँ आपने इन्होंने हाइड्रोजन का देता भी कि मान लो 20 ml है वॉल्यूम, ठीक है. जदों वन सगा इतने ये आप जनरल ले लेंगे, ये आधार पर ही फिर अगर कैलकुलेशन होनी है. जनरल तो यह होगी ना, बैलेंस करने तो बाद इतने वन वन आ गया, इतने टू आ गया,
तो जनरल दे विच हाइड्रोजन के किन्ने वॉल्यूम ने वन वॉल्यूम है, जदों हाइड्रोजन का वन वॉल्यूम से क्लोरीन का किन्ना सी इहदा भी वन सीगा। तो हुण इत्थे जे हाइड्रोजन का आपां नूं 20 दिता होया तो जिन्ना इधर जे इहदा वन सी तां इहदा भी वन है, हुण जे इहदा 20 हो गया तो क्लोरीन का भी किन्ना हो जूगा 20। आपां नूं क्लोरीन भी पता लग गया इस तों किन्नी हो गई 20 ml। जदों हाइड्रोजन का वन सी क्लोरीन का वन सी तो एस सी एल का किन्ना सी 2 सीगा, मतलब 1+1 2 लगा लो या 1 तो डबल करके लगा लो, ये आधार पर अपन किन्ना गया 2। तो हुण जे इहदा भी 20 है इहदा भी 20 है तो इहदा किन्ना हो जूगा हुण 40, गलती नाल लिखा गया इहदा किन्ना हो जाएगा 40, ये तो डबल ही हो गया। अगर 1 ते 1 किन्ना दे रहे ने 2 दे रहे ने, तो इत्थे 20 ते 20 किन्ना देंगे 40, एवें निकलूगा। बाकी एक न्यूमेरिकल देख लो, वैन 100 ml ऑफ मिथेन, की हुंदा मिथेन CH4 बर्नस प्रोड्यूसिस CO2 एंड H2O, की कर रहे हैं कहते CH4 मिथेन नू बर्न कर रहे हैं, अग लगा रहे हैं। जो अपने अग लगाने हैं तो अपने को प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट्स की आ रहे हैं CO2 ते H2O, रिएक्शन लिखनी पेगी पहले तो अपन की है मिथेन CH4 अग लगा रहे हैं। ये थोड़ा मैं चीज़ बहुत बार दसी हुई है, 10th च भी दसी हुई है, जो किसी चीज़ को आप बर्न करते हैं तो वह हवा के रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन नाल, की कि रिएक्शन कहते हैं कमर्शियल रिएक्शन कहते हैं। तो O2 इतने आप अपने आप लिख लिया, एरो प्रोड्यूसिस मतलब प्रोडक्ट्स ने, एरो तो इधरली साइड आ गए कि CO2 तो H2O प्लस हीट तो आपको पता ही है, जो किसी चीज़ को अग लगाने हीट एनर्जी तो निकलनी है। ये हो गया, हुण रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इन्हें कोफिशेंट्स के आधार पर ही कड़ा जो कड़ना है। फाइंड की करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, किन्नी ऑक्सीजन आपको चाहिए उसका वॉल्यूम कड़ना है, तो किन्नी CO2 प्रोड्यूस्ड हुई है उसका वॉल्यूम कड़ना है। आ रिएक्शन कर ली, बैलेंस है नहीं सी, आप बैलेंस करने लिए इतने 2 लगाता, इतने 2 लगाता, बैलेंस करना सू सब आंदा ऑलरेडी 10th किया हुआ है। तो हूँ मैं सीधा ही इतने बैलेंस कर लिया है, इतने कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इतने आपको 2 लगाना पाया, इतने कुछ भी नहीं है मतलब की है 1 है, इतने आपको 2 लगाना पाया बैलेंस करने के लिए। हूँ देखो CH4 मिथेन की आपको पता गैस है, इनू मार्शी गैस भी कहा जाता है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, प्लस वाटर का की है लिक्विड है, पर जोड़ा है लो है, ये तो सिर्फ गैसेज के लिए है, इस करके आप इतने वाटर की गल नहीं करा, वाटर का आप कुछ कैलकुलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप गल कि करनी है सिर्फ गैसेज की करनी है। देखो तो हूँ देखो अपने को है CH4 के मूहे कुछ नहीं सी, आप 1 लगा लिया, मतलब यदा की बन गया 1 वॉल्यूम बन गया, ये मूहे अपन 2 लगाना पे बैलेंस करने के लिए, हूँ तो यदा कि बन गया 2 वॉल्यूम बन गया, ये मूहे कुछ नहीं सी आया तो 1 आ गया 1 वॉल्यूम बन गया। हूँ आप गिवन की दिता है भी CH4 का किन्ना 100 ml है, 100 ml अपन दिता हुआ है, कैलकुलेट की करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन का आप कढ़ना है, ये अपन दिता हुआ ऑक्सीजन का कढ़ना है, एक की कढ़ना है CO2 प्रोड्यूस जी CO2 बनी है, मतलब यदा वॉल्यूम सिर्फ CH4 का दिता हुआ है, अपन इन दोनों का अपने कढ़ना है। किमें कढ़ लाँगे देखो, जोड़ा आप लिखा ना यदि मदद ना कढ़ाँगे, जो CH4 1 वॉल्यूम से तो O2 किन्ना चाहिए सी 2 चाहिए सी, मतलब यदू डबल चाहिए सी। हूँ आप CH4 100 गिवन है तो O2 आराम नाल कर लाँगे, 1 ली जे 2 चाहिए तो 100 ली किन्ना चाहिए 200 चाहिए होगा। एरो जो CH4 का 1 वॉल्यूम से तो CO2 भी किन्नी बन रही सी 1 वॉल्यूम बन रही है, हूँ CH4 का जो 100 ml है तो CO2 किन्नी बनूगी 100, मतलब आ वन दे जे इक्वल है तो आ 100 भी है 100 इक्वल होगा, मतलब इस इक्वेशन की मदद इस वैल्यूज़ की मदद के नाल आप आवली वैल्यूज कर लिया, कोई भी एक पता होगी और दूजा ने आधार पर आप कट सकते हैं। तो ऑक्सीजन आप किन्नी चाहिए है 200 ml, CO2 जो प्रोड्यूस होया वह किन्ना है 100 ml, ठीक है एवें। बाकी आप नैक्सट टाइम करा, थैंक यू।